हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। पहले की वीडियो में भी हमने सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम लोग मिनिमाइजेशन के इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन में जो ये एलपीपी दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, तीन कंस्ट्रेंट है, तो तीनों कंस्ट्रेंट में हम लोग को लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो इसमें हम लोग स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, S1, S2 और S3 को, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे पास जैसे कि ये मिनिमाइज है, तो पहले इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करेंगे। तो लिखेंगे मैक्स जेड डैश इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सबको, -x1 +3x2 -2x3, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जो ये कंस्ट्रेंट है इसमें स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा के आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे है 3x1 -x2 +2x3, और यहाँ पे s1 ऐड कर देंगे और इक्वल टू 7। सेकेंड है -2x1 +4x2 +s2 इक्वल्स टू 12। फिर -x1 +3x2 +8x3 +s3 इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे लेस देन था, इसलिए हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल s1, s2 और s3 को इंट्रोड्यूस करवा के इनइक्वालिटी से इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट इनइक्वालिटी से इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग को स्लैक वेरिएबल यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखिए, जो वेरिएबल है हमारे पास, ये जो है x1, x2, x3 तीनों जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद जो हमने s1, s2 और s3 को स्लैक वेरिएबल को लिया था, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा कॉस्ट 0 के दे के। तो s1 का कॉस्ट 0 +0s2 +0s3, ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग के पास तीन, पहले से जो वेरिएबल था तीन था, x1, x2 और x3। अब हम लोग के पास s1, s2 और s3 भी है, स्लैक वेरिएबल है। तो इनिशियली क्या होगा, x1, x2 और x3 जो होगा 0 होगा, ठीक है। अगर ये तीनों 0 होगा तो s1 का वैल्यू, देखिए पहले वाले से तीनों 0 है तो s1 का वैल्यू आएगा 7, यहां से s2 का वैल्यू आ जाएगा 12, और इस वाले से s3 का वैल्यू आएगा 10, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म होगा ax इक्वल टू b की फॉर्म में। a का वैल्यू होगा हमारे सारे वेरिएबल का कॉस्ट, x में हम लोग लिखेंगे जो जितने वेरिएबल हैं, 6 वेरिएबल है तो 6 वेरिएबल को लिखेंगे। और b का वैल्यू होगा राइट हैंड साइड में जो है वैल्यू, यानी कि 7, 12 और 10, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे x1, x2, x3 और s1, s2, s3, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से इसका देखिए, x1 है 3, x2 है -1 और x3 है 2, s1 है 1 और s2, s3 0 है, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में x1 है -2, x2 है 4, x3 यहाँ पे 0 है, s1 0 है, s2 है 1 और s3 भी 0 है। थर्ड इक्वेशन में देखिए, x1 है -4, x2 है 3, x3 है 8, s1 s2 0 है और s3 1 है, ठीक है। a हो गया, x का वैल्यू होगा हमारे पास वेरिएबल्स जो है, यानी कि x1 x2 x3 s1 s2 s3, ठीक है। और b की वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो, यानी कि 7, 12 और 10, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोग अब सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल बना लिया है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने बनाया है। फर्स्ट देखिए, हम लोग के पास रो है cj, तो ये cj जो है हम लोगों के पास इस रो में फिलअप करेंगे, जो हम लोग के पास मैक्स जेड का जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल्स था उसका कॉस्ट जो होगा उसको, यानी कि x1 के लिए -1 है कॉस्ट, तो यहाँ पे फिलअप करेंगे x1 के लिए -1, ठीक है।
जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो मिनिमाइज था, तो उसको नहीं लिखेंगे। जो हमने मैक्स जेड के फॉर्म में, मैक्सिमाइज के फॉर्म में जो लिखा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो माइनस एक्स वन प्लस थ्री माइनस टू जीरो जीरो और जीरो ये लिखेंगे, ठीक है। तो सीजे का रो फिलअप हो गया है। ये बी जो है कॉलम, ये बेसिक वेरिएबल का कॉलम है और इस कॉलम में हम लोग उन वेरिएबल्स को लिखते हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, मतलब स्लैग या फिर सरप्लस वेरिएबल को। तो जैसे कि यहाँ पे तीन स्लैग वेरिएबल है, तो इस वाले कॉलम में तीनों को लिखेंगे, एस वन एस टू एस थ्री, ठीक है। ये है सी बी, सी बी में हम लोग स्लैग वेरिएबल का कॉस्ट लिखेंगे, यानी कि एस वन के लिए जीरो, एस टू के लिए जीरो और एस थ्री के लिए जीरो, तीनों जीरो है, इनिशियल टेबल में तीनों जीरो ही रहेगा। एक्स बी जो है हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ये बी का वैल्यू यहाँ था, इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये होगा सेवन ट्वेल्व टेन, ठीक है। अब बाकी ये जो टेबल बचा है इसको हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू को लिख देंगे, जो यहाँ थ्री से लेकर के वन तक जो सारा है, थ्री माइनस वन टू वन जीरो जीरो तरीके से पूरा टेबल को फिलअप कर देंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग टेबल को भी फिलअप कर दिए है मैट्रिक्स को देख के। अब इसके बाद का जो स्टेप है हम लोग को निकालना होगा जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। ठीक है, तो जेड जे माइनस सी जे का हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे, ठीक है। तो क्योंकि ये इनिशियल टेबल है, फर्स्ट टेबल जो हम लोग बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग को पता है कि हम लोग बेसिक वेरिएबल में सारे स्लैग या सरप्लस वेरिएबल को लिखेंगे। अब जो स्लैग या सरप्लस वेरिएबल होगा उसका कॉस्ट तो हमेशा जीरो ही होगा, तो मतलब फर्स्ट टेबल में सीबी का वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा, तो मतलब जेड जे का वैल्यू जो रहेगा सीबी इंटू एक्स जे, क्योंकि यहाँ पे सीबी जो है, सीबी जो है वो जीरो रहेगा, इसलिए जेड जे भी है जो पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए जेड जे माइनस सीजे का वैल्यू जो होगा इनिशियल टेबल में माइनस सीजे होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सिर्फ इनिशियल टेबल में ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनिशियल टेबल में भी जो है सीबी का वैल्यू जीरो 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 रहेगा, तीनों जीरो, ठीक है। तो हम लोग जीरो को एक्स वन जैसे वन के लिए निकालेंगे, जेड वन, जेड वन माइनस सी वन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सीबी इंटू एक्स वन माइनस सी वन। अब सीबी है जीरो, एक्स वन थ्री, जीरो इंटू थ्री प्लस जीरो इंटू माइनस टू प्लस जीरो इंटू माइनस फोर, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे सी वन, माइनस कर देंगे, सी वन का वैल्यू है माइनस वन, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो होगा माइनस सीजे फर्स्ट टेबल में, तो फर्स्ट टेबल है इसलिए हम लोग माइनस सीजे का जो वैल्यू है उसको नेगेटिव में करके जेड जे माइनस सीजे लिख देते हैं, तो माइनस वन को प्लस वन, थ्री है यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस टू है प्लस टू होगा, ठीक है। और ये जीरो 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 रहेगा, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमने कुछ जगह को रखा था, इसमें हम लोग मिनिमम रेशियो का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था। अब देखिए जेड जे माइनस सी जे जो है सारा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक जो है माइनस थ्री निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे एक एरो बना देंगे। अगर दो निगेटिव वैल्यू आएगा तो जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको लेंगे, यहाँ पे एक ही निगेटिव है तो माइनस थ्री को चूज किए। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो हमारा कॉलम है इसको बोलेंगे की कॉलम, मतलब एक्स टू जो है हमारा हो जाएगा की कॉलम। देखिए ये हो जाएगा की कॉलम और एक्स टू को बोलेंगे हम लोग इनकमिंग वेक्टर, ये जो है हम लोग का अब नेक्स्ट टेबल में इंटर करेगा, ठीक है। अब किसके जगह इंटर करेगा, एस वन की जगह, एस टू की जगह या एक्स थ्री की जगह, किसके जगह इंटर करेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो ये कॉलम होगा मिनिमम रेशियो का, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बी बाई की कॉलम, तो की कॉलम है हम लोग के पास आया है एक्स टू, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे एक्स टू, ठीक है। एक्स बी क्या है हमारा, फर्स्ट में है सेवन। अच्छा ये देखिए एक्स टू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, जीरो या फिर निगेटिव वैल्यू रहेगा तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सेवन है और एक्स टू है माइनस वन, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है ट्वेल्व और फोर, तो ट्वेल्व बाई फोर करेंगे थ्री आएगा। नेक्स्ट है टेन बाई थ्री, तो टेन बाई थ्री करेंगे तो ये आएगा समथिंग थ्री पॉइंट थ्री थ्री, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में से मिनिमम जो है ये थ्री है, तो थ्री में इस तरीके से एरो बनाएंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो हमारा रो होगा उसको बोलेंगे की रो,
देखिए ये जो हमने रो को मार्क किया है ये है की रो और ये है की कॉलम। ये हमारा x2 जो है इनकमिंग वेक्टर है, इसके जगह पे हमारा जो आउटगोइंग वेक्टर होगा वो होगा x2। ठीक है, ये 4 जो है ये की एलिमेंट है, क्योंकि ये हमारा की रो और की कॉलम में दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको बोलेंगे की एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टेबल किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है सेकंड टेबल बना लिया है और यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन लिख के सेकंड टेबल बनाया है। सीजे का जो वैल्यू होगा ये तो कॉस्ट है और ये इसको हमेशा हम लोग सेम ही रखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें तो सबका जो कॉस्ट था उसी से लिखे थे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो सीजे का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब जो फर्स्ट टेबल में था उसी को लिखेंगे। फर्स्ट टेबल में हमारे पास सीजे का वैल्यू था -1, -3, -2, 0, 0, 0। ठीक है, तो इसको फिलअप कर दिए। इसके बाद हम लोग का है बेसिक वेरिएबल के कॉलम को फिलअप करेंगे। तो देखिए बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे था s1 और s2 के जगह हमारा x2 आ रहा था, क्योंकि ये आउटगोइंग वेक्टर है और इसके जगह इनकमिंग वेक्टर x2 था, तो s2 के जगह x2 और s3 वैसे, मतलब s1, x2 और s3 होगा। ठीक है, इसके बाद जो cb का जो वैल्यू होगा इसका कॉस्ट होगा, मतलब s1 के लिए कॉस्ट है 0, x2 का है 3 और s3 का भी है 0। ठीक है, अब xb से लेकर के s3 तक का वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है टेबल में। पहले तो फर्स्ट टेबल में हम लोग बहुत ही आसानी से मैट्रिक्स को देख करके फिलअप किए थे, देखिए इनिशियल टेबल को हम लोग फिलअप कर दिए थे मैट्रिक्स को देख करके, लेकिन अब जब सेकंड टेबल बना है उसमें हम लोग को वैल्यूज को फिलअप करने के लिए कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो बेसिक वेरिएबल था हमारा s1, s2, s3 जिस फॉर्म में लिखा, मतलब पहले s1 फिर s2 फिर s3, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू था देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। तो हम लोग जितने भी टेबल बनाएंगे उसमें जो है हमारा जो भी रहेगा, जैसे फर्स्ट इटरेशन में देखिए यहाँ पे देखिए हमारा x1, x2 और s3 है, तो मतलब s1, x2 और s3 इसी फॉर्म में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, पहले हम लोग टेबल फिलअप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, जो हम लोगों के पास की रो था, मतलब ये s2 का जो रो है, ये वाले रो को हम लोग की एलिमेंट 4 से पूरे रो को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा r2 डैश इक्वल टू हो जाएगा r2 बाई 4। 4 क्यों? क्योंकि 4 हमारा की एलिमेंट है और हम लोगों का मोटिव रहता है की एलिमेंट को 1 करने का। ठीक है, ताकि वो आइडेंटिटी बने, इसकी जगह हम लोग 1 करेंगे और बाकी जो दोनों हैं इसके जगह पे 0 और इसके जगह पे 0 करना होगा हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए बीच में है s2, तो s2 जो था 0, 1, 0 था, इसलिए अब x2 को भी हम लोग को 0, 1, 0 बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को r2 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, 4/4 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो चलिए पूरे रो को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो r2 डैश को r2 बाई 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 3 -1/2, 1, 0, 0, 1/4 और 0। ठीक है, आप लोग भी करके देख लीजिए, R2 को हम लोग R2 बाई 4 किए हैं, तो हमारा R2 का जो रो है ये फिलअप हो गया। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा R1 को फिलअप करना। तो R1 को फिलअप करने के लिए, मतलब R1 डैश को फिलअप करने के लिए हम लोग हमेशा R2 डैश का हेल्प लेंगे। ठीक है, R2 का नहीं, R2 डैश का, मतलब जो ये वाला जो है इसका हेल्प लेंगे, पुराने वाले टेबल का R2 का हेल्प नहीं लेंगे, R2 डैश का हेल्प लेंगे और R1 का भी हेल्प लेंगे। तो हमेशा याद रखिए रो ऑपरेशन करना सबसे इजी है। ठीक है, R1 का वैल्यू निकालने के लिए R1 लिखेंगे और R1 के बाद हम लोग का जो की रो था उसको लिखेंगे, यानी कि R2 डैश। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके वजह से हमारा वैल्यू जो है जीरो आ जाए। देखिए इस वैल्यू को हम लोग को जीरो लाना है, तो -1 में अगर हम लोग +1 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड टेबल में जो है इस वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा 1 आया है। देखिए यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये -1 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आर वन प्लस आर टू डैश करेंगे। ठीक है, अब आर वन का वैल्यू क्या है, ये हम लोग जो प्रीवियस टेबल था उसको उससे लिखेंगे R1 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे है 7, 3, -1, 2, 1, 0, 0।
आर वन लिख दिया है, अब नेक्स्ट हम लोग को लिखना है आर टू डैश। तो आर टू डैश ये है हमारा 3 - 1/2, 1 0 0, 1/4 और 0। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे सारा वैल्यू 10, 5/2, 0, 2, 1, 1/4, 0। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आया ये आर वन डैश का वैल्यू आया है। ठीक है, आर वन डैश का ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, आर थ्री डैश निकालना है। अब आर थ्री डैश निकालने के लिए भी हम लोगों को आर थ्री लिखना पड़ेगा और आर टू लिखना पड़ेगा, आर टू डैश। ठीक है, इसी को इसी से जो है ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोगों को आर थ्री डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए आर थ्री और आर टू डैश, मतलब ये वाला आर टू डैश और आर थ्री जो प्रीवियस टेबल में था ये वाला, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को करना जीरो है थ्री को। ठीक है, और थ्री को जीरो करना है तो यहाँ पे थ्री है और आर टू डैश में क्या है, यहाँ पे वन, देखिए यहाँ पे वन है। तो क्या करेंगे, इसमें थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आर थ्री में आर माइनस कर देंगे थ्री आर टू डैश, तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर का जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं आर थ्री का वैल्यू, यहाँ लिखेंगे पहले, देखिए आर थ्री का वैल्यू है 10 - 4, 3, 8, 0, 0, 1। ठीक है, और थ्री आर टू लिखेंगे अब, सॉरी थ्री आर टू डैश लिखेंगे, तो यहाँ पे आर टू जो है इस पूरे रो को थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, मतलब थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू माइनस वन बाई टू, थ्री इंटू वन, सबको थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिए, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड किए थे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा वन, यह आएगा माइनस फाइव बाई टू, जीरो, एट, जीरो, माइनस थ्री बाई फोर और वन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया ये आर थ्री डैश का वैल्यू आया, तो ये आर थ्री डैश का इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे, हमने लिख दिया। अब हमने सारे टेबल में जो है वैल्यू को फिलअप कर दिया है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू। फ्रेंड्स, ये वाला जो मैंने तरीका बताया है ये है रो ऑपरेशन वाला तरीका। अगर आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ये इससे पहले के वीडियो में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका बताया था, उसमें करना क्या होता है, इनिशियल टेबल को देखना होता है। अगर हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग किसी भी एक जगह का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टेबल के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टेबल में जो ये वाला प्रीवियस वैल्यू है थ्री, इसको डायरेक्ट की एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि थ्री इंटू फोर, माइनस कर देंगे इन दोनों को, ये क्रॉस बन रहा है। ठीक है, तो थ्री इंटू डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई की एलिमेंट से माइनस करेंगे माइनस टू इंटू माइनस वन, जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, यानी कि फोर से, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आया है वही सेम वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे 5/2 आया है, तो उस तरीके से भी हम लोग 5/2 निकाल सकते हैं और रो ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जेड जे माइनस सी जे का जो है मैंने तो यहाँ पे नहीं बनाया है, मैं एक काम करती हूँ पहले बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने बनाया है जेड जे माइनस सी जे के लिए। ठीक है, अब जेड जे माइनस सी जे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जेड जे माइनस सी जे का हम लोग के पास फॉर्मूला है सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। फ्रेंड्स, ये इनिशियल टेबल नहीं है, इसलिए जो जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू होगा वो माइनस सी जे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड वन माइनस सी वन के लिए क्या करेंगे, जीरो इंटू फाइव बाई टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन बाई टू प्लस जीरो इंटू माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ये माइनस सी जे माइनस सी जे माइनस सी वन है, जेड वन माइनस सी वन के लिए निकाल रहे हैं, तो सी वन है हमारे पास माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन, इसको इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये वाला वैल्यू भी जीरो हो जाएगा क्योंकि सी बी ही जीरो है और सबको सी बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग क्या होगा यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये वैल्यू आया हमारे पास -1/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो सी बी का वैल्यू है 0 है और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर Z2 - C2 के लिए निकाले तो 0 को 0 से, Z3 - C3 के लिए निकालेंगे तो 0 × 2 करेंगे, इसी तरीके से Z5 - C5 के लिए निकालेंगे 0 × 1/4 करेंगे, ये सब 0 होगा, इधर वाला भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करेंगे कि सी बी में जो हमारे पास सी बी का कॉलम है कौन कौन सा जो है 0 है। अब 2 0 है तो इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 0 × 0 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3 × 1 = 3 माइनस सी जे यानी कि -3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0। ठीक है, इसके बाद 3 × 0 करेंगे, 3 × 0 = 0 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऐसे तो हम लोग करते हैं 0 × 1 S1 के लिए 0 × 1 + 3 × 0 + 0 × 0, जो वैल्यू आएगा उसको माइनस करेंगे इससे 0 से, तो जो कैलकुलेट करेंगे करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 0 है तो सिर्फ इसलिए मैं 3 से कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो 3 × 0 = 0 - 0 = 0, फिर 3 × 1/4 3/4 -0 यहाँ पे होगा 3/4। ठीक है, फिर 3 × 0 = 0 - 0 = 0। अब देखिए यहाँ पे जो है Zj - Cj का वैल्यू, यहाँ पे एक निगेटिव आ रहा है बाकी सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग इसी को जो है एरो बनाएंगे और इससे जो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारा कॉलम है इसको बोल देंगे की कॉलम। ठीक है, इसको मार्क करिए, ये हो गया की कॉलम और ये जो X1 है ये होगा हमारा इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, अब ये किसके जगह पे आएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिनिमम रेशियो निकालेंगे, तो अब इसका हम लोग को कॉलम बनाना होगा। पहले से मिनिमम रेशियो का कॉलम नहीं बनाते हैं क्योंकि हो सकता है कि Zj - Cj कभी ना कभी तो सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही, तभी तो हम लोग का सॉल्यूशन ऑप्टिमम स्टेज पे पहुंचेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता तो हम लोग को ये वाला मिनिमम रेशियो का कॉलम का जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग पहले से नहीं बनाते हैं, पहले Zj - Cj को कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने मिनिमम रेशियो का कॉलम बना लिया है, इसका फॉर्मूला था XB/Key column, तो की कॉलम हमने देख लिया है X1 है, तो यहाँ पे XB/X1 लिखेंगे और X1 का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब XB है हमारा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई करेंगे 5/2 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू मिलेगा यहाँ 4। ठीक है, इसके बाद 3 - -1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर भी -5/2 है तो यहाँ पर भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो एक ही वैल्यू आया, यही होगा हमारा मिनिमम वैल्यू। तो इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो हमारा रो है इसको बोलेंगे की कॉलम, सॉरी की रो बोलेंगे इसको, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो रो है। ठीक है, तो ये जो मार्क कर लिया ये है की रो, और यहाँ पर जो ये S1 है ये होगा आउटगोइंग वेक्टर, ये होगा आउटगोइंग वेक्टर और इसके जगह पे X1 इनकमिंग वेक्टर होगा। तो अब हम लोग के पास, अब हम लोग को नेक्स्ट टेबल बना करके वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए सेकेंड टेबल भी, मतलब नेक्स्ट टेबल भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से बना लिए हैं, सीजे का वैल्यू सेम रहेगा जो हम लोग प्रीवियस टेबल में लिखे थे। तो देखिए सब सारे टेबल में जो है सीजे का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, हम लोग जो भी नया टेबल बनाएंगे उसको फिलअप करने के लिए हम लोगों को उससे जस्ट पहले वाले टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सीजे का वैल्यू है -1, 3, -2, 0, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिलअप किए फ्रेंड्स, इस टेबल को फिलअप करने के लिए हम लोगों को इससे जस्ट पहले जो टेबल बनाए थे उसका हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोगों को इस टेबल का हेल्प लेकर के सेकंड इटरेशन वाला टेबल फिलअप करना है। देखिए ये वाला भी टेबल है लेकिन इसका हेल्प नहीं लेंगे, ये सबसे, अब ये वाला टेबल सबसे पहले वाले टेबल है, हम लोग थर्ड टेबल बना रहे हैं तो सेकंड वाले टेबल का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इटरेशन का है ये टेबल, सेकंड टेबल है, इसमें बेसिक वेरिएबल में है S1, X2 और S3, और S1 जो है आउटगोइंग है, इसके जगह X1 आएगा, तो होगा X1, X2 और S3। ठीक है, तो X1, X2, X3, इसका कॉस्ट लिख देंगे, X1 के लिए -1 है, X2 के लिए है 3 और S3 के लिए है 0। ठीक है, इसमें भी हम लोग फ्रेंड्स वैसे ही करेंगे, XB से लेके X3 का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट इटरेशन वाला टेबल यूज करेंगे और जो हमारा की एलिमेंट था उसको 1 करेंगे। देखिए
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो की एलिमेंट है 5/2, इसको 1 करना है और बाकी दोनों को 0 करना है, क्योंकि x2 जो है इंटर हुआ है s1 के जगह पे, s1 क्या है हमारा 100, तो इसलिए हम लोग को x1 को भी 100 करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, r1 को जो है इस r1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे r1 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r1 × 2/5। ठीक है, तो पूरे रो को हम लोग को 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब यहाँ पे 10 × 2/5, 5/2 × 2/5 करके सबको लिख देंगे। तो देखिए 2/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा r1 हो गया ये। अब हम लोगों को r2 निकालना है। तो r2 निकालने के लिए हम लोग को तो पहले लिखना होगा पुराने टेबल में जो r2 था वो, और r1 का हेल्प लेंगे। ठीक है, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले टेबल में था जो, देखिए यहाँ पे इसको 0 करना है, तो यहाँ पे है -1/2, अगर इसमें +1/2 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और हम लोग को हेल्प लेना है इस वाले टेबल से नहीं, पहले जो टेबल में 1 था उससे, यहाँ पे 1 है, इस टेबल का हेल्प लेना है। तो यहाँ पे 1 है, या इस टेबल को पहले पूरा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को r2 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r2 + r1 / 2। तो r2 हमारे पास क्या है, r2 देखते हैं, r2 है 3 - 1/2, 100, 1/4, 0। देखिए r2 हो गया, अब r1 / 2 लिखना है, r1 / 2। तो r1 ये है, इसको पूरे रो को 2 से डिवाइड करके लिखना होगा। अब देखिए r2 हो गया, अब क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारा आएगा 5, 0, 1, 2/5, 2/10, ये हो जाएगा 3/10 और 0। तो ये आ गया हमारे क्या, r2। ठीक है, तो ये इस वाले वैल्यूज को r2 के रो में फिल करेंगे। तो देखिए r2 का कॉलम फिलअप, रो फिलअप हो गया है। अब नेक्स्ट है r3 को फिलअप करना होगा। तो देखिए r3 को फिलअप करने के लिए क्या करना है, r3 लिखना है और r1 लिखना है, न्यू वाला r1 और r3। अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और यहाँ पे इस वैल्यू को 0 करना होगा। देखिए फ्रेंड, सेकेंड टेबल में यहाँ पे हमारा वैल्यू है -5/2 और इसको हम लोग को 0 करना है। तो -5/2 में हम लोग +5/2 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और देखिए r1 में हमारा 1 है, तो पहले इस पूरे रो को 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा और r3 में ऐड करना होगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे r3 + 5/2 r1। तो r3 क्या है, r3 है हमारे पास 1 - 5/2 0 8 0 - 3/4 और 1। तो r3 हो गया। अब नेक्स्ट है r1 निकालेंगे। r1 यहाँ पे देखिए ये है r1 और इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करके r1 लिखेंगे इधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5/2 r1। अब इसको क्या करना है, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा ये हो जाएगा 11 0 0 10 1, ये होगा -1/2 और ये 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा r3। तो इस वैल्यू को r3 के रो में फिल करेंगे। तो फिलअप करने के बाद हम लोग zz - cj का वैल्यू निकालेंगे, सारा टेबल में है सारा वैल्यूज को फिलअप करने के बाद। तो zz - cj का हमारे पास फॉर्मूला है, cb × xj - cj। तो हमारे पास यहाँ पे z1 - c1 के लिए क्या होगा, cb × x1 - c1। cb तो फिक्स है, cb है -1, 3 और 0, और x1 क्या है, x1 है 1, 0, 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे cb × x1 को और ऐड करते हुए लिखते जाएंगे, मतलब पहले -1 × 1 + 3 × 0
प्लस 0 इंटू 0। इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे C1 को, तो माइनस C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू है माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू आएगा सिंपल 0। यहाँ पे ZZ माइनस CJ में यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर निकालेंगे Z2 माइनस C2, तो Z2 माइनस C2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, ये होगा Z2 माइनस C2। माइनस करेंगे C2, तो माइनस C2 का वैल्यू है, C2 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे माइनस 3 लिख देंगे। इसका भी वैल्यू आएगा हमारे पास 0, प्लस प्लस 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग का वैल्यू हो गया 0। अब नेक्स्ट निकालेंगे Z3 माइनस C3, तो CB इंटू X3 होगा, तो माइनस 1 इंटू 4 बाई 5 प्लस 3 इंटू 2 बाई 5 प्लस 0 इंटू 10, और माइनस कर देंगे माइनस 2 को। देखिए माइनस कर देंगे माइनस 2 को, तो Z3 माइनस C3 ये होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे, ये होगा माइनस 4 बाई 5 प्लस 6 बाई 5 प्लस 2, ये आ जाएगा 12 बाई 5। तो Z3 माइनस C3 आया 12 बाई 5, यहाँ पे लिखेंगे 12 बाई 5। अब नेक्स्ट है Z4 माइनस C4, तो क्या होगा, CB इंटू X4, यानी कि माइनस 1 इंटू 2 बाई 5 प्लस 3 इंटू 1 बाई 5 प्लस 0 इंटू 1 माइनस C4, यानी कि माइनस 0। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा माइनस 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 5, तो 1 बाई 5 को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है Z5 माइनस C5, यानी कि CB इंटू X5, यानी कि माइनस 1 इंटू 1 बाई 10 प्लस 3 इंटू 3 बाई 10 प्लस 0 इंटू माइनस 1 बाई 2, माइनस कर देंगे C5, यानी कि 0। तो ये होगा इसका वैल्यू, निकालेंगे माइनस 1 बाई 10 प्लस 9 बाई 10 इक्वल्स टू 8 बाई 10, मतलब 4 बाई 5। 4 बाई 5 के वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 4 बाई 5। फिर होगा Z6 माइनस C6, तो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 माइनस C6, यानी कि माइनस 0। तो देखिए Z6 माइनस C6 का वैल्यू यहाँ पे आया है 0, 0 को फिल कर देंगे यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे देखिए ZZ माइनस CJ का सारा वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया है। तो अब हम लोग को और फर्दर यहाँ पे टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमम स्टेज पे पहुंच चुका है। तो लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिए हैं हम लोग ZZ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 है, तो सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमम है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो हमारा जो बेसिक वेरिएबल का जो है कॉलम, उसमें x1 है, x2 है और x3 है। तो x1 में देखिए अब हम लोग के पास है 1 0 0, x2 में है 0 1 0 और s3 में है 0 0 1। तो इसको अगर एक साथ लिखिएगा तो ये तीनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। तो हमेशा क्या करिए आप लोग, टेबल बनाने के बाद एक बार ये चीज़ को चेक कर लीजिए, इससे पता चलेगा कि हमारा जो है टेबल जो फिलअप हुआ है उसमें सही वैल्यूज है या फिर कहीं पे कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है x1 x2 और s3। पिछले टेबल में भी हमने देखा था x जो बेसिक वेरिएबल में जो वेरिएबल्स था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा था, इसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, मतलब टेबल जो हम लोगों का सही फिलअप हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे, इसलिए देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिवन बाय मैक्स जेड। अब देखिए मैक्स जेड तो नहीं लिखेंगे हम लोग, तो जेड डैश लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए क्वेश्चन में मीन जेड था और इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखे थे मैक्स जेड डैश में माइनस वाले से मल्टीप्लाई करके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको मीन जेड में कन्वर्ट करेंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैक्स जेड डैश इक्वल टू होगा सी बी इंटू एक्स बी। सी बी क्या है, माइनस 1 3 0 और एक्स बी क्या है 4 5 11, ये 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 11,
ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11। अब क्या करेंगे हम लोग, मीन जेड लिखेंगे। हम लोग को पता है मीन जेड इक्वल टू मैक्स जेड डैश, मैक्स जेड डैश का वैल्यू है 11 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा मीन जेड का वैल्यू निकलेगा। इसके बाद हम लोगों को जो है वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स है x1 x2 और x3 उसको भी उसके वैल्यूज भी निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू जो आया है वो 4 है, x2 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 5 और यहाँ पे x3 नहीं है तो x3 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 5 और x3 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में हम लोग को ये वाला स्टेप खास करके याद रखना है, ये नहीं कि सारा सॉल्व कर लिए उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, -1 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। और यहाँ पे वेरिएबल्स को भी फाइंड आउट करके हमने लिख दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़।